अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज, मेरा इरादा था कि व्लॉग ना बनाऊं, लेकिन मैं शाम के टाइम आया, ऊपर आया इनको देखने के लिए, तो ये क्या, अभी आपको दिखाता हूँ, आपको देखने, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। हमारी सनी ने बच्चे दिए हैं दोस्तों, वो सारे के सारे देखें चूंटियों ने खा लिए हैं। बेचारे की क्या हालत हो गई है, मैंने वो रखा भी था उसके अंदर, हर तरफ चूंटियाँ ही चूंटियाँ हैं। मुझे यही डर था कि वहाँ ना दे दे, उसके ऊपर भी चूंटियाँ चढ़ी हुई हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है। उठ जाओ यहाँ से। देखें दोस्तों बच्चे खा लिए, कोई नहीं बचा है, बस एक बच्चा मैंने ना देखा वो जिंदा था, उसको रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इसको शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। जल्दी जल्दी से इसको पकड़ते हैं और अपनी हनी के पास लेके जाते हैं और हनी से कहते हैं कि इसको दूध पिला दे। कोशिश करके देखते हैं, हनी काबू में तो नहीं आएगी, लेकिन बच्चे की अब सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी जल्दी कुछ करें। खोल तो दिया लेकिन हमारी हनी है ना, वो भी कहाँ काबू में आएगी। ना 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 ना, छेड़ना नहीं इसको, हमारी हनी भी कहाँ काबू आएगी। इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। अरसल और सुबहान साहब इस वक्त ना नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तो मुझे नज़र नहीं आ रहे कहीं भी, और ये मेरे काबू में नहीं आ रही है, क्या करूँ, बस एक बच्चा ही बचा है। और मैं सोच रहा हूँ जलीली से ना बस इसको किसी तरीके से दूध मिल जाए, क्योंकि काफ़ी भूखा है ये। अच्छा, मुझे लग भी रहा था उसने बच्चे देने हैं, मैंने अंदर प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे बच्चे दे देगी। हालांकि पहले जब इसने जहाँ भी बच्चे दिए हैं वहाँ पर अपने से पर वगैरह उतार के प्रॉपर जगह बना कर दिए हैं, ये इसने क्या किया इस मरतबा, कितनी टेंशन की बात है। एक से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मेरा ना सर दर्द से फटने लग गया, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। इसकी जान जो है वो मुझे बचाना बहुत ज़रूरी है, इसको ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्या करूँ मैं, इसको रखूं भी कहाँ पर ये भी ना मुझे पता, क्योंकि वहाँ पर नहीं, वहाँ पर चूंटियाँ आ जाएंगी, अगर इसके साथ रखूं तो ये कहीं मार ना दे, क्योंकि ये कौन सी इसकी मदर है, इसको कहाँ रखूंगा ये भी नहीं मुझे समझ में आ रहा। बाकी सब बच्चे तो बिल्ली नहीं बोलते, चूंटियों ने खा ली हैं, बिल्कुल नहीं बची हैं। अल्लाह मुझे कितना दुख हो रहा है, कोई भी नहीं बचा, ये देखें सारे के सारे चूंटियों ने खा लिया, पता नहीं कब दिए होंगे इसने। तबीयत ख़राब की वजह से मेरे से नहीं ऊपर आया गया ना। उठो यहाँ से, उठो उठो शाबाश उठो, तुम तो उठो यहाँ, तो बैठी उठो, तबीयत ठीक है तुम्हारी, उठो यहाँ से, कहीं और बच्चे ही ना हो इसके नीचे, उठ क्यों नहीं रही, उठो 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 उठो, उठो शाबाश। क्या बात है, तुमने ये क्या किया है, वहाँ पर बच्चे क्यों दे दिए तुमने सनी, ये देखो तुम्हारे लिए घर बनाया तो था, यहाँ पर देने थे बच्चे, ये क्या किया तुमने, अपने बच्चों को मार लिया यार तुमने, क्या किया है। अपनी तबीयत ठीक नहीं है ना, देखें लेट गई आराम से, मुझे इससे ऐसी तोक्को नहीं थी, क्योंकि इसने पहले बहुत ही प्रॉपर तरीके से, वो भी बच्चे थे, हाय अल्लाह वो भी देखें दोस्तों, एक वो भी पड़ा हुआ है, कितने बच्चे इसने दिए होंगे, यहाँ तो नहीं कोई पड़ा हुआ, नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, कितने बच्चे दिए थे इसने, कहीं और तो नहीं कोई पड़ा, हर जगह चेक कर लेना चाहिए ना। वो भी चूंटियों ने खाया हुआ है, वो देखें, ओए ला ये देखें, ये भी खाया हुआ है, वही बच्चों, बच्चे सारे खा लिए। अब मैं अरसल नहीं मुझे नज़र आ रहा, अरसल नज़र आता है तो फिर मैं इसके साथ मिलकर सारे बच्चों को ना निकाल कर बाहर फेंकता हूँ, बाहर फेंकना चाहिए, दफना देते हैं इसको कहीं। तकरीबन पांच बच्चे थे जिसमें से जो चार बच्चे हैं बिल्कुल एक्सपायर हो गए हैं, एक बच्चा बचा है लेकिन अब उसको दूध पिलाने का मसला है, पता नहीं कब दिए होंगे। एक्चुअली मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता है कल से बुखार है मुझे, तो बस मैं नहीं आ सका यार, जिसकी वजह से ये सारा मसला बन गया। ये भी उठा दिए और यहाँ से भी ना सारा उठा दिया, अब ये कि इसको क्या करना है, इसका हल मुझे एक समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं सुबह इसको उधर रख देते हैं, उसके साथ इसका बच्चा रख देते हैं, ठीक है, सारे स्प्रे डाल के, तो ये खुद ब खुद बच्चे को देख लेगी, और यहाँ पर हम वो मेल को कर देते हैं, इससे ये होगा कि ये खुद ब खुद ना उसको दूध पिला लेगी, इस तरह हमसे नहीं पिलाया जाएगा। तो इस वक्त ये किया है कि हमारी जो है ना सनी इधर आ गई है, मैंने इसको इधर ले आया हूँ, साथ में इसके बच्चे को यहाँ ले आऊँ, बच्चों को भूख लगी हुई है, देखते हैं ये खुद फीड करवाती है कि नहीं करवाती। ये देखो तुम्हारा बच्चा यहाँ पर आ गया है, इसको बच्चे को देखो, एक बच गया, अल्लाह ने बचा लिया है, इसको देखो अब दूध पिलाओ, उसको भूख लगी हुई है, किस तरह से वो मुंह खोल कर देख रहा है, दूध पिलाओ उसको, इधर आ जाओ चलो। अगर ये दोस्तों दूध नहीं पिलाएगी
तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने क्या किया है, मेल को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, मेल यहीं पर रहेगा सारा का सारा ना। मैं इसकी सफाई करके हर चीज़ मिट्टी वगैरह निकाल कर ना इसको प्रॉपर तरीके से सेट करता हूँ, क्योंकि ये वाला जो आइडिया था यार इनका फ्लॉप हो गया, कुछ बन ही नहीं पाया इनका, और मेरा ऊपर से कितना नुकसान हो गया। ये देखिए एक बच्चा बिल्कुल ही चींटियों ने खा लिया हुआ है, बाकी ये तीन की हालत ये देखें ये क्या कर दिया चींटियों ने खाने के बाद, और सिर्फ एक रह गया है, अब वो बच गया है, बस आप दुआ करें कि वो बच जाए। मुझे आइडिया था कि इसने बच्चे देने हैं, लेकिन बस मेरी अपनी तबीयत ख़राब होगी ना जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो गया, और जो किस्मत में वही होना था ना, किस्मत में यही था तो मैं क्या कर सकता था। बस अल्लाह हमें माफ़ कर दे यहाँ पर हमसे गलती हो गई हो। बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि इस वक्त मेरे सर में ना बहुत शदीद दर्द हो गया। यहाँ मैंने रखा था इसको भी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, उनको अंदर करके बंद कर दिया, कहाँ बैठ गए वहाँ जा कर बैठ गया। मुझे अपनी इसकी टेंशन लग गई है, अगर इसने बच्चे दे दिए तो ये भी कहीं ऐसे ना करे कि ज़ाया कर दे, मतलब चूंटियाँ वगैरह खा लें, क्या करूँ। मेरे पास में प्रॉपर तरीके से कि बॉक्स वगैरह होना चाहिए जहाँ पर ये बच्चे दें। जो पहला बॉक्स लगाया था वो तो सही नहीं रहा था, मुझे आज ही कुछ करना है, सोच रहा हूँ आज ही कोई इंतज़ाम करूँ इसको ना खाने के लिए, प्रॉपर तरीके से कोई इंतज़ाम कर दूँ ताकर ये इसके ना बच्चे दे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी देखते हैं ये बच्चे के पास गई है कि नहीं गई, कहाँ बैठ गई है, लो यहाँ बैठ गई है, पीछे करके बच्चे के पास जा नहीं रही है, तो बच्चा दूध कैसे पिएगा। मुझे तो ख़तरा महसूस हो रहा है, बच्चा मुंह खोल खोल के बाद ना ऐसे ऐसे मुंह खोल रहा जैसे ना उसको उसने दूध पीना। चलो मैं सबसे पहले स्किन का कोई इंतज़ाम करता हूँ, इन्हें कहीं दफनाते हैं, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्या करना है आगे। चलो इसको तो देखें ना, इसको उसके अंदर डाल देता हूँ मैं, चप्पल में डाल के बाहर ले जाते हैं। काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था किसी तरीके से उसको पकड़ के उसको उसके पास रखूँ ताकि उसको फीड करवाए, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बाप बताएं इसका क्या हाल है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर है और माँ यहाँ बैठी हुई है, वो इतने हो सकता है थोड़ी देर तक देख ले। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग करने लगा मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, एक तो वैसे ख़राब ही, दूसरा इनकी टेंशन सी हो गई है। अब मैं नीचे चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, और कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में इंशाल्लाह। हाफिज़। क्या कर रहे हो बनी, क्या कर रहे हो बनी, क्या हो गया मेरा बनी, पता नहीं क्या करी जा रहा है, ठक ठक सी आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं।